आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। हमीरपुर के एक घर में लगी भीषण आग, अज्ञात कारणों से घर में लगी आग। घर में सो रहे बुजुर्ग की जलकर हुई मौत। ललपुरा थाना क्षेत्र का बताया जा रहा मामला। हमीरपुर के एक घर में लगी भीषण आग, अज्ञात कारणों से घर में लगी आग। घर में सो रहे बुजुर्ग की जलकर हुई मौत। ललपुरा थाना क्षेत्र के सहुरापुर गांव का मामला। हमीरपुर से बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां एक घर में भीषण आग लग गई है। अज्ञात कारणों से घर में भीषण आग लग गई, जिसमें एक बुजुर्ग की जलकर मौत हो गई। ललपुरा थाना क्षेत्र के सहुरापुर का यह मामला बताया जा रहा है। हमीरपुर के घर में भीषण आग लग गई, अज्ञात कारणों से घर में लगी भीषण आग। फतेहपुर में दिखा रफ्तार का कहर, तेज रफ्तार ट्रक ने वैन को मारी टक्कर। वैन चालक गंभीर रूप से घायल हुआ। वैन चालक को जिला हॉस्पिटल रेफर किया गया। मौके से ट्रक लेकर फरार हुआ ट्रक चालक। हुसैनगंज थाने के चांदीपुर चौराहे का मामला। फतेहपुर में दिखा रफ्तार का कहर, बड़ी खबर सामने आ रही है फतेहपुर से। तेज रफ्तार ट्रक ने वैन को मारी टक्कर, वैन चालक गंभीर रूप से घायल। वैन चालक को जिला अस्पताल किया गया रेफर। प्रतापगढ़ में राजा भैया की बढ़ सकती है मुश्किलें। सीओ हत्याकांड की फिर से जांच शुरू। गुंडा पहुंची सीबीआई की टीम। उच्च न्यायालय खंडपीठ ने खारिज की थी रिपोर्ट। रिपोर्ट खारिज होने के बाद फिर शुरू हुई जांच। प्रतापगढ़ में राजा भैया की बढ़ सकती है मुश्किलें। सीओ हत्याकांड की फिर से जांच हुई शुरू। गुंडा पहुंची सीबीआई की टीम। उच्च न्यायालय खंडपीठ ने खारिज की थी रिपोर्ट। रिपोर्ट खारिज होने के बाद फिर शुरू हुई जांच। प्रतापगढ़ में राजा भैया की बढ़ सकती है मुश्किलें, बड़ी खबर सामने आ रही है। सीओ हत्याकांड की फिर से जांच शुरू हुई है। कुंडा पहुंची है सीबीआई की टीम। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।